हम सबके बीच उपस्थित आरपीआई अठारह ग्रुप के श्री जगदीश चलते जी, रासपा की बहन सरिता तिवारी जी, शिवसेना महिला विभाग प्रमुख विशाखा मौर्य जी, राष्ट्रवादी के नेता माननीय विनायक पाटिल जी, हमारे बीच उपस्थित सभी नगर सेवक बाला थावड़े जी, प्रतिभा गिरकर जी, प्रियंका मोरे जी, लीना देहरकर जी, कमलेश यादव जी, शंकर उदेव जी, ऐसे तो महायुति के नेता की जनगणना भी महान है, बड़ी जनगणना है, पर आप सभी को मैं नमन करता हूं। और वास्तव में महायुति की ताकत यहां नहीं, यहां बैठी है। हमारे जो पक्ष है, बीजेपी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, आरपीआई हो, रासपा हो, हम सब प्रेरणा लेते हैं कार्यकर्ता के आधार पर, हम सब विचारधारा के आधार पर काम करने में विश्वास करते हैं। और मैं समझता हूं ये जो पार्टी सब नेता मिलके महाराष्ट्र का, देश का एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार देने का काम कर रहे हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम ऐसे नेता और ऐसी पार्टी के लिए काम करते हैं, ऐसी युति को और सक्षम बनाते हैं और बल देते हैं जो देशभक्ति और देश के विकास के साथ प्रेरित है, देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मित्रों, गत 10 वर्षों में हमने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था दी, गरीबों का कल्याण किया, अन्य अन्य योजनाओं से देश में हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाए, एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी और साथ ही साथ ढेर सारे अवसर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में हो, आधारभूत सुविधाएं सुधारने में हो, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से युवा युवतियों को और सक्षम बनाने का काम हो, चाहे उद्योग और निवेश को प्राथमिकता देके देश में हर युवा युवती को अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले, स्वयं रोजगार के, कारोबार करने के, व्यापार के, उद्योग चलाने के, एमएसएमई यूनिट लगाने के, एक प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यशैली है उसमें वो 2400 घंटे दिन रात बिना एक दिन छुट्टी लिए देश सेवा में लगे रहे 10 साल, जिसके कारण जो रोजमर्रा की समस्याओं से वर्षों वर्षों तक हमारे लोग, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, परेशान रहते हैं, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा हो, बिजली, सड़क, पानी, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऐसी कितनी सारी चीजें जिसके लिए व्यक्ति या परिवार जीवन बिता रहे हैं, पीढ़ियां निकल जा रही है, लेकिन व्यक्ति अपना पक्का घर नहीं पा रहा, लोग अपने स्वास्थ्य सेवा के लिए चिंतित हैं। देश में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको बिजली तक उपलब्ध नहीं थी अपने घर, हमारी माता बहनों के लिए शौचालय नहीं थे गाँव में, चूल्हे के ऊपर जो खाना भोजन बनाना पड़ता था 400 सिगरेट अनुमानित उनके शरीर में रोज जाता था सुबह से रात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक ओबीसी परिवार में, गरीब परिवार में जन्मे और उन्होंने ये सब पीड़ा स्वयं अपने बचपन में उठाई, उनकी माँ को रोज देखते थे चूल्हे के ऊपर लकड़ी या कोलसा लगा के दिन भर परिवार के भोजन की चिंता करते,
नहाने के लिए उनको दूर नदी में जाना पड़ता और वहां से पानी लेके घर की जरूरतें पूरी करना। शौचालय की सुविधा नहीं थी, बिजली की किल्लत थी, स्कूल में जमीन पर बैठकर स्लेट पे एक प्राध्यापक था, सिंगल टीचर स्कूल में पढ़ते थे। यहां तक के मुझे जानकारी मिली एक दलित बच्चे को स्कूल में आने नहीं दिया जा रहा था और कई दिनों से आ नहीं रहा था। पता लगाने तक पता चला मोदी जी को बाल आयोग कि उसके पास ड्रेस के पैसे, यूनिफॉर्म के पैसे। मोदी जी ने एक छोटा नाटक किया, नाटक बनाया, मंडली बनाई, नाटक बनाई, नाटक तैयार किया, गांव के साहूकारों को इकट्ठा किया और नाटक के बुला के पैसे इकट्ठे करके उस दलित बच्चे को यूनिफॉर्म दिला दिया जिससे वो स्कूल में प्रवेश कर सके। पढ़ाई लिखाई के लिए किताबों की जरूरत पड़ती है, पैसे की कमी थी तो उनके पिताजी जो एक छोटा सा चाय की दुकान वाडनगर रेलवे स्टेशन पे चलाते थे, मोदी जी स्कूल के बाद रेलवे स्टेशन जाकर किटली में चाय लेकर यात्रियों को बेच के दो पैसा कमा के स्कूल की किताबें खरीदा। उनका जो संवेदनशील व्यक्तित्व है वो बचपन से ही इन अनुभवों से उनके मन में इतनी गहरी छाप पड़ी कि उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि वो पूरा जीवन देश को समर्पित करेंगे, देश की सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित। चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया हो, चाहे भाजपा के साधारण कार्यकर्ता के रूप में, जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई गुजरात के मुख्यमंत्री पद की तो मुख्यमंत्री के नाते गुजरात का सेवा करना हो, या जब उन्हें देश में पूर्ण बहुमत की सरकार 30 साल बाद 2014 में देके देश की सेवा करने का मौका दिया, हर एक जिम्मेदारी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी जोश लगाकर हर संभव कदम उठाकर हर एक मिनट का इस्तेमाल कर कोई इधर उधर विषय में ध्यान ना बिठा कर पूरी तरीके से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा की, देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और 10 वर्ष के कार्यकाल में आप देखिए किस प्रकार से गरीबों के जीवन में बदलाव आया, परिवर्तन आया। आज हम जाके किसी घर में देखें तो हर घर तक शौचालय पहुंचाने का काम, इज्जत घर देने का काम 11 करोड़ इज्जत घर बनाकर मोदी जी ने देश में माँ बहनों का, बहुओं का, हमारी नारी शक्ति का सम्मान भी किया, उनको एक इज्जत के जीवन देने का काम। हर घर तक उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर का कनेक्शन देके आज महिलाओं को मुक्ति दी चूल्हे के ऊपर भोजन बनाने से, हमारी बेटियों को पढ़ाई लिखाई में रुकावट ना आए उसके लिए बेटियों की इंतजाम किया कि उनको स्कूली शिक्षा भी मिले, माँ बाप को प्रोत्साहित किया कि बेटियों का सम्मान करें। और आज उन प्रदेशों में जब बेटियों की संख्या गिर रही थी वो रिवर्स होके आज लड़कियों की संख्या उन प्रदेशों में भी बढ़ते बढ़ते पुरुषों के बराबर हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष के कार्यकाल में अन्य अन्य योजनाओं से देश के गरीब से गरीब व्यक्ति, निम्न मध्यम वर्ग व्यक्तियों तक पहुंचने का काम किया। आप सब जानते हैं कि 10 वर्षों में 4 करोड़ गरीब से गरीब परिवार, अंतिम छोर पे खड़े हुए परिवार को मुफ्त में घर देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और मेरा तो खुद का अनुभव रहा, पीछे
राजस्थान में आदिवासी पाड़ा में मेरा दौरा था। वहां पे एक परिवार ने मुझे अपने घर चाय के लिए आमंत्रित किया। उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना से मुफ्त में घर मिला। दो रूम थे, एक रसोई घर था, बाहर एक शौचालय बना हुआ था, एक नहाने की सुविधा थी और सामने एक टिन शेड बना हुआ। घर का मालिक दिव्यांग, मालकिन मजदूरी करती, आठ लड़कियां थी इस पर, आठ और एक छोटा सा बालक। मुझे लगा शायद टिन का शेड इसलिए बना रखे है कि अपना सामान रखते होंगे, कुछ ना कुछ चीजें रखते होंगे। बेटी ने बताया, घर की बड़ी बेटी ने बताया, ये घर मिलने के पहले हम सब उस टिन शेड में जा रहे हैं। मित्रों, उस टिन शेड में अगर पूरा परिवार खड़ा भी हो तो खड़े होके भी उस टिन शेड में पूरा परिवार फिट नहीं हो सकता था। इतना छोटा सा टिन शेड में पीढ़ी दर पीढ़ी वो परिवार अपना घर चला है। आप कल्पना कीजिए, 4 करोड़ परिवारों में कितना बदलाव आया उनके जीवन में। एक खुद के पक्के घर बने से जब 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में अनाज मिल गया, हर महीने मिलते, कोविड काल में 2 गुना बना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुनिश्चित किया देश में एक भी बच्चा रात को भूखा सोने के लिए मजबूर ना। जब 55 करोड़ भाई बहनों को स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत से मिलती है, प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि देश में कोई ऐसा बच्चे ना जिसको स्वास्थ्य सेवा पक्की मिले, अच्छी मिले, समय पे मिले। उनके हमने भी सोच रखा है कि उत्तर मुंबई में हमें एक वर्ल्ड क्लास अति आधुनिक अस्पताल, ऐसा अस्पताल के किसी को दूर 2 घंटे नहीं जाना पड़े इलाज के लिए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छी सुविधाएं उत्तर मुंबई में। मित्रों, ढेर सारी योजना, ढेर सारे काम। गत 10 वर्षों में हमारे युवा युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमारी नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाने के लिए, हमारे अन्नदाता हमारे किसान भाई बहनों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए और गरीबों को गरीबी से पूरी तरीके से मुक्त करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे आने वाले दिनों में एक सप्ताह दिया, एक बीड़ा उठाया, एक संकल्प किया है कि हमें भारत को एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बनाना है और उसमें 140 करोड़ भारतवासी सब एकजुट पूरी एकता के साथ, कर्तव्य भावना के साथ हमारी विरासत, हमारी संस्कृति को भी संभाल कर, नारी शक्ति को और मौके देकर भ्रष्टाचार भारत और विकसित भारत बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, महायुति के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी भी है और हम सबका एक संकल्प, सबकी प्रतिबद्धता है कि हम सब मिलकर मोदी जी की झोली में इतनी आशीर्वाद दीजिए महाराष्ट्र से, इतनी बड़ी संख्या में उनको यहां से सांसद चुन के भेजे, उनको महाराष्ट्र से प्रतिनिधि भेजे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी दिखे महाराष्ट्र पूरी तरीके से और महायुति के एक एक कार्यकर्ता कार्यकर्ती मोदी जी को आशीर्वाद देने का, मोदी जी के हाथ बटाने का, मोदी जी को और हौसला देने का निर्णय ले चुका है और हम आगे आने वाले दिनों में एक एक व्यक्ति हर घर तक जाए, हर घर तक 10 साल में जो काम हुए
उसके बारे में जानकारियां दें, संवाद करें परिवार के साथ, हर वोटर के साथ संपर्क करें। आगे आने वाले अमृत काल के 22 वर्षों में जो मोदी जी ने बड़े लक्ष्य रखे, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मोदी जी ने गारंटी दी है, और हम सब चाहते हैं मोदी जी की गारंटी बाहर से शुरू होती है जब बाकी सब लोगों के प्रयास फेल हो जाते हैं। मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने अगले 20-25 वर्ष के भारत के अमृत काल की यात्रा का योजना बनाई, कार्यक्रम बनाया, रोड मैप बनाया, वास्तव में अभी तक जो हमने 10 साल में अंदर इतने सारे काम देखे, ये तो मात्र ट्रेलर था, अब आगे चलकर पिक्चर पूरी बाकी है। ढेर सारे काम इस देश में मोदी जी की कल्पना में है, मोदी जी के मन में है। मोदी जी ने पक्का विश्वास ले लिया है कि अब देश चल पड़ा है, देश के हर व्यक्ति ने मन बना लिया, देश के हर युवा युवती के सपने अब छोटे नहीं है, अब बड़े सपने थे। भारतवासी अब छोटी मोटी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं है, भारतवासियों ने तय कर लिया है कि भारत सपने भी बड़े देखेगा और उनको हकीकत में बनाने के लिए बड़ा काम करेगा, और इनको हकीकत में लाने के लिए हम सब महायुति के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच में रहना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, छोटे बड़े विषयों में हम सब अग्रसर रहे, एकजुट रहे, मिलकर काम करें, और मिलकर देश में मोदी जी की सरकार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी की सरकार जो मिलकर डबल इंजन के रूप में 2x4x तेज गति से विकास के कार्य कर रही है, मेरा पूरा मानना है देश भी विकसित बनेगा, महाराष्ट्र भी विकसित बनेगा, आमची मुंबई पण विकसित होणार आणि उत्तर मुंबई हा उत्तम मुंबई होणार शिवाय आम्ही थकणार पण नाही, रुकणार पण नाही। हम सबको आगे आने वाले दिनों में अलग अलग जिम्मेदारियां मिले, हम लोगों के बीच में जब जाए तो उनको अवश्य ये बताएं कि वोट सिर्फ अधिकार नहीं है, वोट एक जिम्मेदारी है। हम सबको बताएं कि आपके वोट से परिवर्तन हो सके, आपके वोट से बदलाव हो सके, जीवन सुधार हो सके, और हर वोट की कीमत है। एक एक वोट जो मोदी जी के झोली में जाएगा वो एक बड़ा संदेश है।